आखिर क्यों सुष्मिता सेन 5 अफेयर्स के बाद भी आज तक कुंवारी हैं? दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पे नाम आता है फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट का। विक्रम भट्ट और अभिनेत्री सुष्मिता सेन का अफेयर बॉलीवुड के सबसे चर्चित अफेयर्स में से एक रहा है। एक वक्त हुआ करता था जब विक्रम भट्ट के प्यार में एक्ट्रेस सुष्मिता सेन इस कदर पागल थी कि अपनी जान देने का भी मन बना चुकी थी। आपको बता दें कि उस समय विक्रम भट्ट 27 साल के थे, तो वहीं सुष्मिता सेन महज 20 साल की थी। सुष्मिता की खूबसूरती को देखकर विक्रम का दिल उन पर फिदा हो गया था। सुष्मिता के चलते ही विक्रम भट्ट ने अपनी शादीशुदा जिंदगी भी बर्बाद कर दी थी। यही नहीं, बल्कि विक्रम ने सुष्मिता के लिए अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया। ये बात हम नहीं बल्कि विक्रम भट्ट ने खुद एक इंटरव्यू में कही थी। विक्रम ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि सुष्मिता के अफेयर की वजह से उन्हें अपने बचपन के दोस्त और पत्नी अदिति को भी तलाक देना पड़ा था। उन दिनों हालात इतने खराब हो गए थे कि उन्हें ना चाहते हुए भी अदिति को तलाक देना पड़ा था। खबरों की माने तो सुष्मिता सेन और विक्रम भट्ट का ब्रेकअप हुआ तब विक्रम 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान देने वाले थे। हालांकि उन्हें सही मौके पर बचा लिया गया। इस बारे में उन्होंने ये भी कहा था कि उन दिनों वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ गए थे। विक्रम ने ये भी कहा कि सुष्मिता के साथ उनका अफेयर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ था और आज भी इनको इस बात का काफी ज्यादा पछतावा है। तो वहीं ब्रेकअप के बाद विक्रम भट्ट कभी भी सुष्मिता सेन से नहीं मिले। और आपको बता दें कि विक्रम भट्ट ने दूसरी शादी भी नहीं की है और अब अकेले ही अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। अब बात करते हैं लिस्ट में नंबर 2 पे कौन है। अपनी खूबसूरती और गजब के फिटनेस से सुष्मिता सेन ने बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा का भी दिल जीत लिया था। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों फिल्म कर्मांड होली के शूटिंग के दौरान एक दूसरे के करीब आए थे और तभी से इन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना भी शुरू कर दिया था। दोनों को एक साथ घूमते फिरते हुए भी ज्यादा देखा जाता था। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं चल सका। बता दें कि रणदीप के बाद तीसरे नंबर पे नाम आता है ऋत्विक भसीन का। दरअसल सुष्मिता सेन ने ऋत्विक भसीन को भी डेट किया है और वो दोनों 4 साल तक एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में भी रहे हैं। दोस्तों, दोनों जाहिर खान और एक्ट्रेस सागरिका घाटके की शादी में भी एक साथ नजर आए थे। इसके अलावा खबर ये भी आई थी कि सुष्मिता सेन अंबानी परिवार की बहू बनने वाली थी। जी हाँ, देश के मशहूर बिजनेसमैन अनिल अंबानी के साथ भी एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के रिलेशनशिप की खबरों ने उन दिनों सभी को चौंका दिया था। ऐसा कहा जा रहा था कि जिस वक्त अनिल अंबानी और टीना अंबानी के बीच तलाक की खबरें आई थी, उसी बीच सुष्मिता सेन भी उन दोनों के बीच में आ गई थी। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे सुष्मिता सेन ही वजह थी। यहाँ तक कि अनिल अंबानी ने भी सुष्मिता सेन को करोड़ों रुपयों की डायमंड रिंग भी गिफ्ट कर दी थी। हालांकि ये रिश्ता भी कुछ ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं चल सका था। इन दिनों सुष्मिता सेन एक्टर और मॉडल रोमन शॉल को डेट कर रही हैं और उनके साथ लिविंग रिलेशनशिप में भी रहती हैं। दोनों के अफेयर की अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। सुष्मिता सेन अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोशल मीडिया पर भी कई सारी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। और आपको बता दें कि दोनों के बीच लगभग 15 साल की उम्र का फासला है। दोस्तों, एक्ट्रेस सुष्मिता सेन अब भले ही फिल्मों में कम नजर आती हों, लेकिन वो अपने लव अफेयर को लेकर बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर चुकी हैं। आपको एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के लव अफेयर के बारे में जानकर कैसा लगा? इस पर आपकी क्या राय है? आखिरकार क्या लगता है आपको कि क्यों स्टिल सुष्मिता सेन सिंगल है, कुंवारी है? कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए।